आज द प्रेस ऑफ लर्निंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हमने ई बुक में नए सिस्टम का प्रोजेक्ट का सीरीज चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी हमने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं इसमें से लास्ट वीडियो मेरा क्या था गाइस कि रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, यानी कि यूजर रजिस्टर करते हैं तो सक्सेसफुल मेरा रजिस्टर डेटाबेस में जो है डेटा चला गया था। और हमने जो बोले थे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें लॉग इन मॉड्यूल पे काम करेगा। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखा जाए तो हमने इतना काम, जैसे कि मेरा होम पेज था, होम पेज में ऑलरेडी ये हमने सारे बुक को एड कर चुके थे, जिसमें आपको बुक को एड भी कर सकते हैं, व्यू और कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो काम किए थे हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो मॉड्यूल था ऑलरेडी कंप्लीटेड कर चुके थे, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन करते के टाइम जैसे कि इंटर द नेम ये सारा फिल करने के बाद वो डेटा मेरा डेटाबेस में सक्सेसफुल कंप्लीट हो गए थे पीछे वीडियो में। और आई होप आपको बताए थे कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा लॉगिन का होगा, जो कि पहले से हमने लॉगिन का पेज बना चुके हैं जिसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो आज इसमें जैसे हमने जिस यूजर आईडी और पासवर्ड से हमने रजिस्टर किए हैं उससे हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, लॉगिन करने की ट्राई करेंगे। तो बिना रिस्क किए अब कोडिंग की और चलते हैं। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, एक एडमिन नाम का क्या करते हैं फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो सिंपल हम वेब पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, फोल्डर को क्लिक करेंगे। ओके, देन हम यहाँ पे क्या रखेंगे एडमिन। ओके, यहाँ पे क्या रखेंगे एडमिन। एडमिन लिख के जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एडमिन नाम का यहाँ पे देखिए एडमिन नाम का ऑलरेडी मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले हमने वेब वेब पे जाएंगे, वेब वेब पे जाने के बाद न्यू जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे अदर जाएंगे, अदर जाने के बाद यहाँ पे मेरा जेएसपी फाइल होगा, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और होम डॉट जेएसपी फाइल हम यहाँ से क्या करेंगे गाइस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे एक होम डॉट जेएसपी फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी। ओके, तो हमारा एक होम डॉट जेएसपी फाइल ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। एक हम क्या करेंगे एडमिन के अंदर में भी हमें होम पेज है, ये जो मेरा है यूजर का है होम पेज, ये मेरा जो होगा यूजर होम पेज, यहाँ पे हमें इसको क्या करते हैं गाइस लिख देते हैं यूजर। ओके, क्या है यूजर होम पेज। ओके, ये क्या है यूजर का होम पेज है, हम यहाँ पे यूजर होम पेज लिख देते हैं। ओके, एक इसके अंदर में हम क्या करते हैं एक होम पेज क्रिएट करते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद सेव अदर पे जाएंगे, अदर पे जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन करेंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन पे करने के बाद सेम हम यहाँ पे लिखेंगे गाइड्स की होम डॉट जेएसपी। ओके, यहाँ पे लिखेंगे होम डॉट जेएसपी, देन यहाँ पे फिनिश कैसे ही कर देंगे तो हमारा जो है एक होम पेज क्रिएट होके आ जाएगा जो कि ये एडमिन का पेज होगा। अगर इसके अंदर में जाके देखते तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये जो मेरा पेज था ये किसका था यूजर का था, तो इसका अभी हमें यूज नहीं है तो इसको हमें कुछ नहीं करेंगे, इसका अभी क्या कहते हैं यूज है। तो ये क्या है एडमिन होम पेज, यहाँ पे हमें मैसेज में क्या लिखेंगे एडमिन और हम देखे होम पेज। ओके, होम पेज, तो ये एडमिन का होम पेज है। इसमें हम क्या करते हैं यहाँ पे H1 लिखते हैं। ओके, H1, ओके H1, और इसके अंदर में लिखते हैं एडमिन कॉलम होम। ओके, एडमिन कॉलम होम। ओके, इसको क्या कहते हैं सेव कर देते हैं। ओके, एडमिन कॉलम होम, देखिए इसको क्या कहते हैं गाइज सेव, एक स्पेस जो है स्पेस। ओके गाइज, इतना कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे लॉगिन डॉट जेएसपी में जाएंगे और इस फॉर्म को जो है क्या करेंगे लिंक कर देंगे। ओके, तो फॉर्म को लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे फॉर्म में जाएंगे। ओके, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। ओके, यहाँ पे है फॉर्म, फॉर्म में लिखेंगे कि फॉर्म। ओके, फॉर्म में लिखेंगे एक्सेल। ओके, फॉर्म में क्या लिखेंगे एक्सेल, और एक्सेल में जो वो फॉर्म का हमने क्या करेंगे यहाँ पे लॉगिन नाम का जो हमें यहाँ पे क्या किया लॉगिन दे दिए। और जब हम सर्वेट क्लास बनाएंगे इस पेज को क्या करेंगे गाइज यहाँ से लिंक कर देंगे। अभी क्या करना है बस यहाँ लॉगिन और मेथड मेरा क्या हो जाएगा पोस्ट, मेथड का नाम क्या होगा गाइज पोस्ट होगा। तो हिंस में ओके मेथड हमने क्या दिए मेथड में यहाँ पे क्या करेंगे पोस्ट दे दी। ओके, देन यहाँ पे क्या करेंगे सेव कर देंगे। तो हम क्या करेंगे जैसे ही सर्वेट बनाएंगे तो आप लॉगिन में जाएंगे और लॉगिन में जाके क्या करेंगे पोस्ट करेंगे। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो यहाँ पे पासवर्ड है गाइस, ओके यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे नेम का जो लिखा है नेम में हम यहाँ पे क्या करेंगे पासवर्ड। ओके, यहाँ पे वेट कीजिए। ओके, यहाँ पे पासवर्ड है। ओके, या रिक्वायरमेंट में क्या है पासवर्ड है, रिक्वायरमेंट के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे नेम लगाएंगे। ओके, नेम में क्या करेंगे पासवर्ड दे देंगे। ओके, पासवर्ड दे देंगे, नेम में पासवर्ड देके इतना बार सेव कर देंगे। तुम्हारा लॉगिन का जो है काम कंप्लीटेड हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे आपको लॉगिन सर्वरेट में जाएंगे। ओके, यहाँ पे एक लॉगिन सर्वरेट नाम का बनाएंगे सर्वरेट क्लास। ओके, जस्ट ये वेट कीजिए, यहाँ पे जावा है। ओके, सर्वरेट का पैकेज में जाएंगे। ओके, सर्वरेट का पैकेज में यहाँ पे हम क्या करेंगे लॉगिन सर्वरेट नाम का एक क्या करेंगे क्लास क्रिएट करेंगे। लॉगिन सर्वरेट नाम का क्या करेंगे गाइस एक क्लास क्रिएट करेंगे। ओके, क्लास का नाम देंगे लॉगिन सर्वरेट। ओके, क्या देंगे लॉगिन सर्वरेट नाम का हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइस एक क्लास क्रिएट करते हैं। ओके,
यहाँ पे फिनिश करते हैं तो मेरा लॉगिन सर्वलेट नाम का यहाँ पे देखिए क्लास क्रिएट हो गया। ओके, इसमें पैकेज की नाम क्या होगा, com.com.user.servlet। और इसमें हम क्या करेंगे, लॉगिन जो सर्वलेट बना है इसमें हम क्या करते हैं एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड करेंगे किसको करेंगे, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को एक्सटेंड करेंगे, एचटीटीपी सर्वलेट। ओके, एचटीटीपी सर्वलेट को क्या करेंगे एक्सटेंड कर देंगे, और यहाँ पे हम एक एनोटेशन लगा देंगे, वेब सर्वलेट का एनोटेशन लगा देंगे। ओके, वेब सर्वलेट का एनोटेशन लगाएंगे और इसके अंदर में उसका लिंक हमें दे देंगे। लिंक कौन सा देंगे गाइस, जो अभी जस्ट हमने क्या किया, यहाँ पे जो ये वेब एक्शन परफॉर्मेंस किए थे, जस्ट यहाँ पे देखिए हमने लॉगिन का जो ये एक्शन परफॉर्मेंस किए थे, सेम ये वाले लिंक को हम क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे। ओके, सेम ये वाले लिंक को यहाँ पे हमने क्या करेंगे गाइस यूज करेंगे, देन सेव कर देंगे। इतना कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, मेथड जो है डू पोस्ट मेथड का यूज इसमें होगा, तो यहाँ पे हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, सोर्स में जाएंगे, सोर्स के जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा गाइड्स की ओवरराइड इंप्लीमेंट मेथड। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही ओवरराइड इंप्लीमेंट मेथड करेंगे, यहाँ पे देखिए डू पोस्ट का हम यहाँ पे जो यूज करेंगे, डू पोस्ट का यहाँ पे ऑप्शन है, सिंपल इसको क्लिक करके ओके कर देंगे तो हमारा डू पोस्ट नाम का क्या हो जाएगा, मेथड क्रिएट हो जाएगा। इसका हमें कोई भी नीड नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे यहाँ से डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर देंगे, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे e dot print tracking exception को यहाँ पे हम क्या करेंगे लगा देंगे। इतना कंप्लीट हो गया, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे स्ट्रिंग लिखेंगे। ओके, स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे यहाँ पे ईमेल दे देंगे, सबसे पहला जो लॉगिन होगा ईमेल आईडी से एंड पासवर्ड से, तो ईमेल स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू req, यानी कि यहाँ पे हमने जो यूज किए हैं सर्वलेट रिक्वेस्ट में req, तो req लिखेंगे, req डॉट क्या करेंगे गेट पैरामीटर। ओके, डॉट गेट पैरामीटर। ओके, गेट क्या करेंगे पैरामीटर में हम क्या करेंगे गाइस, जो ईमेल हमें चाहिए उस ईमेल को क्या करेंगे यहाँ पे भेज देंगे, ईमेल को क्या करेंगे यहाँ से सेंड कर देंगे, तो मेरा ईमेल का हो गया। नेक्स्ट जो होगा सेव स्ट्रिंग क्या भेजेंगे, पासवर्ड भेजेंगे को क्या करेंगे यहां से भेज देंगे, इक्वल टू क्या करेंगे req, यानी कि रिक्वेस्ट डॉट क्या करेंगे गेट पैरामीटर। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर इस बार क्या भेजेंगे इसमें पासवर्ड को क्या करेंगे यहां से सेंड कर देंगे, देन यहां पे क्या करेंगे सेमी कॉलन देंगे, तो अभी तक कोई भी एरर शो नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल कंसोल में चेक करेंगे कि जो हम ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए क्या रखेंगे, सिस आउट लेके कंट्रोल प्लस स्पेस करेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे ईमेल देंगे, स्पेस देंगे एक, देन दूसरा क्या करेंगे गाइज पासवर्ड दे देंगे। ओके, पासवर्ड देके इसको क्या करेंगे सेव कर देंगे। ओके, पासवर्ड देके हमने क्या किया सेव किया। अब एक बार चेक कर देते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है कि, तो नॉर्मल हम यहाँ पे जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे एक रजिस्ट्रेशन करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस एक रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं डेमो नाम का ऑलरेडी करते हैं और ईमेल आईडी भी क्या करते हैं demo@gmail.com नाम के यहाँ से हमने क्रिएट कर देते हैं। फोन नंबर रेमडरी हमने कुछ भी क्या करते हैं दे देते हैं। पासवर्ड में क्या देते हैं गाइस डेमो दे देते। ओके, पासवर्ड में डेमो, और यहाँ पे देखिए जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे मैसेज देगा, एक फैसिलिटी दीजिए हमने क्या आपको एग्री टर्म्स कंडीशन, तो यहाँ पे देन वैसे ही हमने यहाँ पे देंगे तो आपका पूरी फिल हो जाएगा। तो फिर से हमें इस फॉर्म को क्या करना पड़ेगा गाइस फिल करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमने रिफ्रेश किए, देन यहाँ पे क्या करेंगे पासवर्ड अगेन देंगे, डेमो नाम का पासवर्ड दिए, देन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को जैसे ही करके सबमिट करेंगे तो हमारा जो है डेमो ये वाले ईमेल आईडी जिसको हमने यहाँ पे कॉपी कर देते हैं डेटाबेस में जाके ये सेव हो जाएगा। ओके, जस्ट वेट कीजिए, हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी रन हो गया पर यहाँ पे जो मैसेज है वो मैसेज शो करेगा। ओके, जस्ट वेट कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल गाइस। एक बार हम क्या करते हैं चेक कर देते हैं कि हमारा जो है डेटाबेस में डेटा सेव हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे वर्कबेंच को ओपन करेंगे, देन यहाँ पे मेरा क्या है बुक नाम से डेटाबेस है, तो यहाँ पे यूजर को हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक करते हैं कि डेटाबेस में मेरा ऑलरेडी सेव हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए डेमो नाम था ऑलरेडी कंप्लीटेड आ चुका है, डेमो नेम था और ईमेल आईडी डेमो था और ये मेरा फोन नंबर पासवर्ड और ऑलरेडी मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीटली हो चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं इसको लॉगिन करने की एक बार ट्राई करते हैं। ओके, तो जस्ट यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ओके, वेट, हमारा ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है। ओके, और इसके बाद हम ट्राई करेंगे। अभी तक हमारा वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड देख के जैसे ही लॉगिन को क्लिक करते हैं तो ओके यहाँ पे देखिए मेरा लॉगिन आ चुका है। एक बार कंसोल में देखते हैं। ओके, तो कंसोल में मेरा क्या होता है नर, यानी कि मेरा जो है ऑलरेडी शाम मेरा ऑलरेडी शो हो रहा है पर ईमेल आईडी क्या हो रहा है नर आ रहा है। तो एक बार हमने यहाँ पे चेक करेंगे कोड में।
कि ईमेल आईडी मेरा नर क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी में क्या है, ईमेल ये ठीक है ओके। एक बार लॉगिन डॉट जेएसपी में जाएंगे, जेएसपी में हमने यहाँ पे अगर चेक करते हैं ओके, यहाँ पे हमने ईमेल में क्या किए इसका रिक्वायरमेंट नहीं दिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नेम, नेम में क्या लिखेंगे यहाँ पे ईमेल दे देंगे ओके, तो उसकी ईमेल आईडी शो कर जाएगा। और यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था ओके, देन दोबारा से हम क्या करते हैं इसको दोबारा से यहाँ पे फॉर्म को क्या करते हैं फिलअप करते हैं, एक बार बैक जाएंगे, बैक जाके एक बार पहले लॉगिन पे चले जाते हैं, तो जिससे हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन पे जाके सेम उसी ईमेल आईडी जो कि डेमो वाला है उसी से हम क्या करते हैं एक बार लॉगिन करते हैं डेमो, देन यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे लॉगिन पे जाएगा। इसके बाद कंसोल में चेक करते तो ऑलरेडी हमारा कंप्लीटेड सक्सेसफुल जो है कंप्लीटेड ये रन कर रहा है। तो आई होप आपको डेटाबेस में रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करने के एक ये सिंपल सबसे इजी तरीका है जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ओके। तो यहाँ पे मेरा कंसोल में आ रहा है, अब हम क्या करते हैं एडमिन के द्वारा सबसे पहले क्या करते गाइस एडमिन को हम लॉगिन करवाने की ट्राई करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कंडीशन लिखेंगे इफ लिखेंगे, इफ के अंदर में क्या करेंगे एडमिन का यहाँ पे हमने यूजर आईडी, तो एडमिन का यूजर आईडी एडमिन ना देते हैं admin@gmail.com क्या कहते हैं कॉम ओके, admin@gmail.com ओके। देन उसका जो पासवर्ड होगा admin@gmail.com डॉट क्या करेंगे यहाँ पे डॉट इक्वल क्या करेंगे इक्वल किसका उसका पासवर्ड से क्या हो मैच हो। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल में क्या करेंगे उसकी ईमेल आईडी से यहाँ पे क्या करेंगे मैच करवा देंगे ईमेल से ओके। ईमेल आईडी से हम क्या करेंगे मैच करवा देंगे, एंड हम क्या लगाएंगे एंड हम क्या करेंगे एडमिन का जो होगा एडमिन जो एडमिन होगा डॉट क्या करेगा यहाँ पे सॉरी एडमिन नाम क्या होगा एडमिन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा नेम एडमिन होगा एडमिन डॉट इक्वल, देन अगेन क्या करेंगे डॉट इक्वल इक्वल इस बार क्या होना चाहिए एडमिन का जो पासवर्ड होना चाहिए वो इक्वल, अगर ये करता है देन यहाँ आता है देन यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको रिस्पॉन्स करेंगे किसको रिस्पॉन्स करेंगे रिस्पॉन्स यहाँ पे जो होगा सॉरी यहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे रिस्पॉन्स हम किसको करेंगे रिस्पॉन्स यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स डॉट सेन सेन रीडायरेक्ट को करेंगे सेन रीडायरेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे एडमिन की जो पेज होगा एडमिन उसके अंदर में एडमिन के अंदर में यहाँ पे देखिए हमने क्यों देखिए सबसे पहले मेरे एडमिन नाम का फोल्डर है यहाँ पे अगर फोल्डर देखे एडमिन उसके अंदर में क्या है मेरा होम डॉट जेएसपी, अगर इनकेस आपकी कोई दूसरा नाम आपने अगर मेंशन किए तो यहाँ पे जो आपको नाम है उस क्योंकि हमारा जो है एडमिन का जो होम पेज है किसमें एडमिन नाम का फोल्डर के अंदर में इसीलिए सबसे पहले एडमिन देन हम करेंगे होम डॉट जेएसपी देन इसको क्या करेंगे एक बार सेव कर देंगे ओके। देन एस पार्ट में जाएंगे ओके यहाँ पे क्या करेंगे गाइस देन क्या करेंगे सॉरी देन यहाँ पे एस के पार्ट में जाएंगे और यदि ये नहीं मिलेगा तो रिस्पॉन्स में जाएगा और रिस्पॉन्स में वो क्या करेंगे रिस्पॉन्स और सेन रीडायरेक्ट ओके सेन रीडायरेक्ट क्या पेज करेगा वो होम, अगर ये वाला नहीं मिला तो डायरेक्ट हमें क्या करेगा होम डॉट जेएसपी फाइल को दे देगा होम डॉट जेएसपी फाइल को वो हमें सेंड कर देगा चेक करते कि अभी हमारा जो है सक्सेसफुल कंप्लीटेड लॉगिन हो रहा है या नहीं। तो नॉर्मल सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं एक ऑलरेडी यहाँ पे देखिए जैसे ही हम डेमो डॉट जीएमई इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो है यहाँ पे ऑलरेडी ये पेज पे जा रहा है यहाँ पे कंसोल पे अगर आप चेक करते हैं कंसोल पे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे जा रहा है डायरेक्ट ओके। नेक्स्ट हम क्या करते हैं एडमिन को चेक कर देते हैं तो एडमिन को चेक करने के लिए हमारा पासवर्ड क्या है तो admin@gmail.com है तो यहाँ पे क्या करेंगे admin करेंगे admin@gmail.com पासवर्ड और हमारा जो पासवर्ड क्या लिखे हैं एडमिन यहाँ पे चेक कर देते हैं एक बार कि मेरा यूजर आईडी क्या ईमेल आईडी क्या लिखे है admin@gmail.com पासवर्ड में हमने क्या दिया एडमिन इसको करके जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद ओके जस्ट वेट कीजिए क्लिक करने के बाद ओके यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए होम डॉट जेएसपी फोल्डर में क्या हुआ ये गाइस ऑलरेडी ये जा रहा है। तो इतना आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नीचे देखिए admin.gsp अब इसको इसकी कोई भी नीड नहीं है तो यहाँ पे इसको क्या करते गाइस कमेंट कर देते ओके ओके गाइस। अब क्या करते हैं यूजर डॉ में जाएंगे ओके यूजर डॉ में जाएंगे और यहाँ पे हमने एक क्लास एक मेथड यूज करेंगे पब्लिक ओके गाइस। तो अब हम क्या करेंगे डॉ क्लास में एक मेथड बनाएंगे मेथड का नाम होगा पब्लिक पब्लिक के बाद हम यहाँ पे यूजर को इंपोर्ट करेंगे क्योंकि मेरा जो एंटिटी क्लास है क्या है गाइस यूजर है तो पब्लिक यूजर। इसके बाद हमें यहाँ पे मेथड जो बनाते हैं लॉगिन नाम का मेथड बना देते हैं और हमें उसमें क्या चाहिए स्ट्रिंग में क्या चाहिए सबसे पहले उसकी इमेज लॉगिन जो करेंगे उसकी इमेज चाहिए और क्या चाहिए इमेज एंड फिर से स्ट्रिंग में हमें क्या चाहिए पासवर्ड चाहिए स्ट्रिंग में क्या चाहिए पासवर्ड चाहिए इतना ही चीज चाहिए। देन सेमी कॉलम देके इसको क्या करते हैं सेव करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे हमारा जो है डॉ क्लास में एरर शो करेगा ओके यहाँ पे आइए
यहाँ पे आने के बाद सेव करते हैं, डाओ क्लास में जाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट किसको करना है गाइस, से आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एड अन इंटरपेमेंट मेथड को क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपकी जो एरर शो करता होगा गाइज, वो एरर आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और नीचे एक मेथड क्रिएट होगा जो कि यहाँ पे पब्लिक यूजर लॉगिन नाम का मेथड था, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिए। ओके, देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजर, यानी कि हमें यूजर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यूजर यहाँ पे क्या होगा, यूजर को जो है यूएस नाम का बना देते हैं, इक्वल टू क्या करते हैं, वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या देंगे, नर दे दी, स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दिए, नर। और यहाँ पे हमने यूएस को क्या किया, रिटर्न कर दिया। आई होप अभी तक आपको अच्छे से समझ में आता होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ट्राई का एच ब्लॉक लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे, ट्राई करेंगे, ओके, कंट्रोल प्लस स्पेस करते हैं और ट्राई कैच, देन यहाँ पे हम इसको रिमूव करके ई डॉट पिन पिन स्टेक ट्रैक एक्सेप्शन हैंडलिंग का हमने यहाँ पे यूज कर दिया। ओके, ट्राई के अंदर में सब क्वेरी लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग एसक्यूएल, स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल टू क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, इक्वल टू सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे एससी, यानी सिलेक्ट, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किससे करना है, यूजर नाम का मेरा टेबल है, टेबल का नाम क्या है, यूजर, और उसका हमें क्या चाहिए, वेयर उसका क्या चाहिए हमें, ईमेल, ओके, वेयर ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ईमेल उनका क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क, एंड हमें क्या चाहिए, दूसरा क्वेरी क्या चाहिए, एंड पासवर्ड इक्वल टू क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क, ओके, पासवर्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें इतना ही चाहिए, देन डबल कोट के बाद यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देंगे। ओके, एरर मेरा खत्म हो गया। हमने क्या किया, स्ट्रिंग एसक्यूएल लिखे, सेलेक्ट किए, स्टार फ्रॉम में यूजर नाम का टेबल है, वेयर उसमें से हमें क्या चाहिए, अगर ईमेल एंड पासवर्ड मिलता है तो, ओके, देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिपेयर स्टेटमेंट पीएस नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, इक्वल टू क्या करेंगे, कौन नाम के हमने यहाँ पे देखते हैं, तो कौन नाम का हमने यहाँ पे जो यूज करते हैं, कौन यहाँ पे देखिए, हमने डेटाबेस के लिए क्या यूज किए, कौन, इसीलिए कनेक्शन का कौन, यहाँ पे देखिए कनेक्शन का कौन, प्राइवेट कनेक्शन कौन, डेटाबेस यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे गाइस, कोर कर देंगे, कौन डॉट क्या करेंगे, कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट और उसके अंदर में एसक्यूएल को क्या करेंगे गाइस, देखिए सेमी कॉलम दे देंगे, तो हमारा जितने भी डेटा है वो क्या होगा, पीएस में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पीएस डॉट सबसे पहला सेट स्ट्रिंग, ओके, एस टी आर सेट स्ट्रिंग, इसमें हमने सबसे पहला जो होगा वन इंडेक्स पे होगा, और डेटा जो होगा यहाँ पे क्या होगा, ईमेल होगा, ओके, ईमेल। सेकेंड थिंग होगा पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग, ओके, पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग सेकेंड डेटा, और क्या होगा, पासवर्ड, ओके, इतना कंप्लीट करने के बाद अब क्या करेंगे, रिजल्ट जो आएगा मेरा उसको क्या करेंगे, प्रिंट करने के, यहाँ का रिजल्ट सेट करेंगे, रिजल्ट सेट क्या कहते हैं, आरएस से देते हैं, ऑब्जेक्ट रिजल्ट सेट आरएस इक्वल टू क्या करेंगे, पीएस में जो डेटा आएगा उसको एग्जीक्यूट क्वेरी कर देगा, ओके, उसको एग्जीक्यूट क्वेरी कर देगा, सेमी कॉलम, ओके, इतना कंप्लीट हो गया। अब मेरा जो है आरएस में डेटा आ गया, तो हम यहाँ पे जो है कंडीशन लगाएंगे वेयर वाइल, ओके, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वाइल, ओके, वाइल कंडीशन क्या लगाएंगे, सॉरी वाइल, इसके अंदर में हम क्या करेंगे, आरएस में जो मेरा डेटा स्टोर होगा, आरएस डॉट क्या करेंगे, नेक्स्ट, ओके, आरएस डॉट क्या करेंगे, नेक्स्ट, यानी कि आरएस डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, देन यहाँ पे ओपन कर दे ब्रैकेट होगा, ओके, ओपन ब्रैकेट, देन यहाँ पे क्या करेंगे, यूएस नाम का जो हमने यूजर से है, डॉट क्या करेंगे, यूएस इक्वल टू क्या करेंगे, न्यू, यूएस जो मेरा नाम है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे यूएस इक्वल टू क्या किए, न्यू, और यहाँ पे क्या कर दिया, यूजर, ओके, यूजर कर दिए, यूजर, देन से निकलूं, अब मेरा क्या है, यूजर के यूएस में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूएस डॉट सबसे पहला मेरा क्या है, तो सेट आईडी है, सेट मेरा डेटाबेस में सबसे पहला क्या है, आईडी है, यहाँ पे सेट आईडी करेंगे, और आईडी में क्या करेंगे, आरएस में जो डेटा आएगा डॉट क्या करेंगे, गेट क्या करेंगे, आईडी, गेट इंटीजर, आईडी की जो टाइप होगा क्या होगा, इंटीजर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीजर दिए, और वैल्यू इसका कितना दे दिया, हुआ, ओके। दूसरा जो मेरा है यूएस डॉट सेट, दूसरा क्या है मेरा, सेट नेम है, यहाँ पे नेम देंगे, ओके, सेम यहाँ पे जाएंगे आरएस डॉट क्या करेंगे, गेट स्ट्रिंग, ओके, इसका कितना टाइप है, दो दिए, सेम यहाँ पे करेंगे यूएस डॉट सेट नेम हो गया, नेम के बाद मेरा क्या है, ईमेल है, ओके, सेट ईमेल, ओके, यहाँ पे सेट ईमेल, सेम यहाँ पे लिखेंगे आरएस डॉट सेट गेट, सॉरी क्या होगा, गेट डॉट गेट स्ट्रिंग, ओके, गेट स्ट्रिंग इसका कितना होगा, 3, ओके, इसका कितना होगा, 3। नेक्स्ट जो हम करेंगे गाइस, यहाँ पे अगेन करेंगे यूएस डॉट नेम हो गया, ईमेल हो गया, ईमेल के बाद हम यहाँ पे सेट फोन नंबर, ओके, सेट फोन नंबर करते हैं, और यहाँ पे जाते हैं आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग, ओके, गेट स्ट्रिंग करते हैं, यहाँ पे 3 हो गया था, अब क्या होगा, 4, ओके,
यहाँ पे चार दिए, देन यहाँ पे अगेन जाएंगे यूएस डॉट सेट फोन नंबर हो गया, फोन नंबर के बाद हमें क्या चाहिए पासवर्ड, ओके पासवर्ड दिए, देन यहाँ पे जाएंगे आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग चार हो गया, ये कितना हो जाएगा पांच, ओके पांच, सेम जाएंगे यूएस डॉट सेट स्ट्रिंग, यूएस डॉट सेट पासवर्ड, पासवर्ड के बाद हमें क्या चाहिए एड्रेस, ओके सेट एड्रेस, ओके यहाँ पे हिंस मांगते हैं सेट एड्रेस, यहाँ जाएंगे आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, ओके गेट स्ट्रिंग ये हो जाएगा सिक्स नंबर, ओके देन यहाँ पे अगेन जाएंगे यूएस डॉट सेट एड्रेस हो गया, एड्रेस के बाद मेरा क्या है लैंडमार्क है, ओके लैंडमार्क देंगे आर एस डॉट सेट स्ट्रिंग, ओके सेट सॉरी यहाँ पे होगा आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में ये छह हो गया, ये कितना हो जाएगा सात, ओके नेक्स्ट जो मेरा होगा यूएस डॉट सेट लैंडमार्क हो गया, लैंडमार्क के बाद यहाँ पे क्या है एक बार चेक कर देते हैं हमने जो डेटा दे रहे हैं कहाँ से दे रहे हैं, बुक में जाते हैं, बुक में मेरा यूजर नाम का जो टेबल है यहाँ से देखिए क्या करते हैं डेटा देते हैं, हमने क्या क्या अभी तक जो डेटा दिए हैं तो आईडी नेम ईमेल फोन पासवर्ड एड्रेस सेंडर, अगेन क्या है नेक्स्ट है मेरा सिटी स्टेट और पिन कोड, ओके सिटी स्टेट इसके बाद क्या है रेनबार के बाद सिटी है सिटी दिए, इसके बाद यहाँ आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग में ये कितना हुआ सात हुआ, ये आठ नंबर, ओके ये कितना है आठ नंबर हो गया। नेक्स्ट जो हम देंगे यहाँ पे यूएस डॉट सेट सिटी हो गया, सिटी के बाद मेरा क्या है स्टेट, ओके यहाँ पे आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग ये कितना हो गया नाइन नंबर हो गया, ओके गेट स्ट्रिंग नाइन नंबर, देन सेम जाएंगे यूएस डॉट सेट स्ट्रिंग, सेट स्ट्रिंग ये कितना हो गया आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, ओके गेट स्ट्रिंग कितना हो गया दस नंबर, ओके इतना कंप्लीटेड हो गया। तो मेरा जो है डाउ क्रॉस ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है, हमने यहाँ पे गाइड एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं, सबसे पहले क्या किए यूजर जो का जो वैल्यू है उसको हमने क्या किए नल कर दिया, देन हमने यहाँ पे एस्क्वेयर का क्वेरी लगाए, कंडीशन क्या लगाए कि स्ट्रिंग एस्क्वेयर नाम का चाहिए, स्ट्रिंग एस्क्वेयर इक्वल टू क्या किए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल और पासवर्ड, हमें दो चीज चाहिए ईमेल और पासवर्ड चाहिए, देन प्रिपेयर स्टेटमेंट पी एस डॉट फोन यहाँ पे जेडीबीसी हमने यूज किए, देन यहाँ पे हमें जो जो डेटाबेस से चाहिए उसका हमने क्या किया रिक्वायरमेंट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आता कुछ इश्यू होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को तो अभी तक आपने सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। तो अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं गाइस, ओके गाइस अब क्या करेंगे लॉग इन सर्वलेट क्लास में जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करें, तो लॉग इन सर्वलेट क्लास में जाएंगे और ट्राई के बाद यहाँ पे क्या रखेंगे सबसे पहले रखेंगे यूजर डाउ, क्या रखेंगे यूजर यूजर डाउ आई एम पी आर क्रॉस, यहाँ पे कॉल कर देंगे यूजर डाउ आई एम पी आर क्रॉस डाउ, ओके यूजर डाउ आई एम पी आर क्रॉस इक्वल टू क्या करेंगे हम यूजर डाउ, यहाँ पे यूजर डाउ आई एम पी आर क्रॉस, और इसके अंदर में हमें क्या करेंगे डीबी यानी कि डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटाबेस कनेक्टिविटी डॉट क्या करेंगे गेट कनेक्शन, गेट कनेक्शन कर देंगे, ओके सेमी कलर देंगे जो एरर शो कर रहा था यहाँ पे आई थिंक एरर आ रहा है, ओके क्रिएट मेथड यूजर डॉ आई एम पी आर क्रिएट, ओके यहाँ पे आ रहा है क्रिएट मेथड, ओके एरर मेरा ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ओके या और एरर ऑलरेडी कंप्लीटेड हो खत्म हो चुका है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे एचटीटीपी सेक्शन लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे HTTP यानी कि सेक्शन लगाएंगे HTTP सेक्शन, ओके HTTP सेक्शन, ओके HTTP सेक्शन सेक्शन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे सेक्शन नाम का, देन इक्वल टू क्या करेंगे REQ यानी कि रिक्वेस्ट जो हमने यहाँ पे दिया है REQ डॉट क्या करेगा गेट सेक्शन, ओके डॉट गेट सेक्शन, ओके गेट सेक्शन हमने यहाँ पे सेक्शन लगा दिया। अब हमें क्या करेंगे नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे, ऑलरेडी ये कंप्लीटेड हो चुका है सेक्शन, ओके यहाँ पे हमने ईमेल को किए थे, नेक्स्ट जो हम करेंगे गाइस हम क्या करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग ऑलरेडी हमने पहले से डिक्लेयर किए थे और हमने यहाँ पे देखिए एडमिन का जो है ऑलरेडी हमने कंडीशन क्या किए लगा चुके हैं, तो अब इसके अंदर में हमने जो एडमिन का में कंडीशन लगाए थे गाइस यहाँ पे क्या करते हैं इसको कॉल कर देंगे, कॉल क्या करेंगे यूजर नाम का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यूजर, यहाँ पे क्या करेंगे एंटिटी क्लास यूजर यूएस इक्वल टू क्या करेंगे यूजर यूएस इक्वल टू क्या करेंगे न्यू यूजर, ओके न्यू यूजर यूजर यूएस इक्वल टू न्यू यूजर दे देंगे, ओके यहाँ पे सेमी कॉलम, देन हम क्या करेंगे इसको सेक्शन को क्या करेंगे कॉल कर देंगे, ओके सेक्शन जो हमने ऑब्जेक्ट किए हैं इसको कॉल कर सेक्शन डॉट क्या कहते हैं सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट में हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि यूजर ओबीजी नाम का क्या कहते हैं यूजर ओबीजे, ओके यूजर ओबीजे नाम से हम यहाँ पे कहते हैं और इसको फ्रंट एंड में हम क्या करेंगे जाके यूज कर देंगे यूजर ओबीजी, और सेकेंड क्या करेंगे लास्ट जो मेरा होगा क्या होगा यूएस होगा, ओके यूएस होगा, ओके आई गॉट इट। इसको हमने क्या करेंगे यूज करने सबसे पहले क्या किए हमने यूजर नाम का एंटिटी क्लास बनाए थे, देन उसमें हमने क्या किया सेक्शन सेट एट्रीब्यूट
नाम का जो है यूजर ओबीजी यूएसटी, ओके सेकेंड हम क्या करेंगे, इसके बाद रिडायरेक्ट पेज हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट कंडीशन में भी सेम कोड हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको हमने क्या किया, सिंपल सा कॉपी किए और यहाँ पे क्या किए गाइज, पेस्ट कर दिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चेंजेज क्या करेंगे, तो यहाँ पे ओके इसको कॉपी नहीं करते, यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा कि यूजर एडी, यूजर मेरा क्या होगा, यूजर यूएस इक्वल टू क्या होगा, अगर डाओ होगा ओके, डाओ नाम के जो हमने रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डाओ यूजर यूएस इक्वल टू डाओ डॉट क्या होगा लॉग इन, अगर वो लॉग इन करेगा तो उसको सबसे पहले लॉग इन करने के क्या चाहिए, उसको इमेज चाहिए और पासवर्ड चाहिए, ओके इतना चीज उनको चाहिए। अगर इफ कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इफ यूएस यानी कि सबसे पहले क्या है मेरा जो यूजर होगा वो नर होगा, नॉट इक्वल टू सॉरी इक्वल नॉट इक्वल टू क्या होगा नर होगा, अगर यूजर पहले क्या है कुछ भी नहीं है, देन हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगा देंगे कि सेक्शन डॉट सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे आप करेंगे सेक्शन डॉट डॉट क्या करेंगे सेट एट्रीब्यूट, सेक्शन डॉट सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे सेक्शन डॉट सेट एट्रीब्यूट में हम क्या करेंगे यूजर ओबीजे, इसको हमने यहाँ पे क्या करेंगे यूजर डॉट ओबीजे को यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसमें क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे यूजर डॉट ओबीजे और यूएस, ओके यूजर डॉट ओबीजे, और इस पेज को हम यहाँ से रीडायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे तो रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट करने के लिए क्या होता है रिस्पॉन्स डॉट क्या करेंगे सेन सेन रीडायरेक्ट, ओके सेन रीडायरेक्ट कर देंगे यहाँ से सेन रीडायरेक्ट, किस पेज पे हमें करेंगे तो वहां से क्या होगा होम पेज पे जाएगा, तो यहाँ पे हमने लगा देंगे होम डॉट जेएसपी, किस पेज पे जाएगा होम डॉट जेएसपी पेज पे हम क्या किया यहाँ से रीडायरेक्ट कर दिया, ओके आई होप आपको इतना समझ में आता होगा। तो सबसे पहले जैसे ही मेरा यूएस नर होगा तो वो क्या करेगा सेक्शन डॉट एट्रीब्यूट क्लास में चला, ओके गाइस तो ये कोड सेम था तो यहाँ पे इसका कोई भी यूज नहीं, इसको यहाँ से क्या कीजिएगा कट कर दीजिए, सेम ये वाला कोड है यहाँ पे ही पेज कर दीजिए जो कि अभी अच्छे से वर्किंग कर रहा था, ओके नेक्स्ट हम क्या करेंगे ओके एक एरर शो कर रहा है ओके यहाँ पे क्या होगा सेमी कॉलम होगा, ओके अब क्या करेंगे यदि कंडीशन मेरा ये हो गया, अगर मेरा एस में जाएंगे यहाँ पे और यदि वो कंडीशन फायर हुआ तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सेक्शन डॉट सेम ये वाले कोड को यहाँ पे क्या करते हैं कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं पेस्ट कर देते हैं, तो अगर वो कंडीशन फेल हुआ तो सेक्शन डॉट एट्रीब्यूट में जाएगा और यहाँ पे हमने क्या करेंगे फेल ओके यहाँ पे हम क्या करेंगे फेल मैसेज नाम का क्या करते हैं यहाँ पे फेल मैसेज नाम का करेंगे और यहाँ पे मैसेज दे देंगे, मैसेज क्या देंगे कि ईमेल ईमेल यहाँ पे मैसेज देते ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड क्या है इनवैलिड, ओके इनवैलिड का एक हम क्या करते हैं मैसेज दे देते हैं, ईमेल एंड पासवर्ड क्या होगा इनवैलिड होगा VAVALID, ईमेल एंड पासवर्ड क्या होगा मेरा इनवैलिड होगा। अब इसको क्या कहते हैं जैसे ही इनवैलिड होगा तो मेरा कौन सा पेज में जाना चाहिए लॉगिन पेज पे जाना चाहिए, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे क्योंकि जैसे ही मेरा फाइल होगा तो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स और सेन सेन क्या करेगा रीडायरेक्ट, ओके सेन रीडायरेक्ट पे जाएगा और वो पेज को किस पेज में यहाँ पे रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पे जाके क्या करेगा लॉगिन लॉगिन मेरा क्या है लॉगिन डॉट जेएसपी फाइल को वो क्या करेगा रिटर्न कर देगा, ओके लॉगिन का एल क्या है गाइस कैपिटल है, ओके लॉगिन डॉट जेएसपी फाइल को यहाँ पे देखिए मेरा लॉगिन का क्या है तो लॉगिन डॉट जेएसपी फाइल को क्या करेगा रिटर्न कर देगा, ओके यहाँ पे देंगे ओके सेव कीजिए, कुछ एरर यदि कोई भी एरर नहीं होगा तो हमारा जो है लॉगिन डॉट सर्वर पेज भी कंप्लीटली बन गया है यहाँ पे, ओके इसके बाद अगर कोई भी कंडीशन नहीं होगा देन अब क्या करेगा ये यहाँ पे जाएगा और ये रिस्पॉन्स डॉट ये पेज यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉल हो जाएगा, ओके अगर कुछ नहीं हुआ तो देन ये बड़ा पेज को क्या करेंगे होम पेज को होम डॉट जेएसपी पेज को क्या करेगा ये कॉल कर देगा, ओके तो कंप्लीटली हमारा जो है ये सबमिट जो जेएसपी हो गया। अब हम क्या करते हैं सबसे पहले जो है हम होम पे क्या करते हैं लॉगिन डॉट जेएसपी में जाएंगे और जो हमने अभी कंडीशन लगाए हैं इसको क्या करेंगे गाइस अप्लाई करेंगे, ओके तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं जेएसपी को लिंक करते हैं, लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे किसी पेज में जाएंगे, ओके लिंक करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं एसआरसी में जाएंगे, ओके एसआरसी के बाद मेन में जाने के बाद यहाँ पे हम पेज को लिंक करने के लिए क्या करते हैं गाइस, ओके गाइस तो इस पेज को लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं बैकएंड टू फ्रंट एंड की सेम हमने जो रजिस्ट्रेशन पेज में हमने यहाँ पे ये टैग हमने इसको यूज किए थे इसको क्या करना है गाइस कॉपी कीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए पेस्ट कर दीजिए तो हमारा बैकएंड टू फ्रंट एंड लिंक हो जाएगा, ओके इतना करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे गाइस सेम इसको क्या करेंगे यहाँ पे कंडीशन नीचे में जाके क्या करते हैं गाइस इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं कोड को, तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे लॉगिन के बाद हाँ ओके लॉगिन के बाद यहाँ पे इस कोड को क्या करेंगे गाइस लिखेंगे, तो सबसे पहला जो होगा ओके यहाँ पे जाके सबसे पहले क्या करेंगे सी कॉलम इफ और पेस्ट में हम क्या करेंगे जो हमने नोट सबसे पहला क्या करेंगे सी कॉलम इफ देन यहाँ पे क्या करेंगे डॉलर का साइन, ओके डॉलर सी कॉलम डॉलर
एंड यहाँ पे ओपन कर दी नोट, नोट क्या होना चाहिए एम्पैथिक, अगर नोट इन पैथी होगा ओके नोट, अगर क्या होगा नोट एम्पैथी होगा देन हमने क्या करेंगे फायर वाला का जो कंडीशन था यहाँ पे हमने जो लॉग इन सबग्रेट क्लास में हमने यहाँ पे यूज किए गाइड फायर के लिए हमने क्या यूज किए फायर के लिए यहाँ पे हमने कोड यूज किए ओके जस्ट ओके यहाँ पे हमने जो ये कोड यूज किया इसको कॉपी करेंगे और लॉग इन पेज में यहाँ पे क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे ओके फायर यहाँ पे क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे देन यहाँ पे हम क्या करेंगे सेक्शन को जैसे ही हो वो सेक्शन क्या हो गया रिमूव हो जाए ओके देन यहाँ पे हम जाके क्या करेंगे ओके यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे एक मैसेज यहाँ पे दे देंगे तो क्या मैसेज देंगे H5 दे देते हैं ओके यहाँ पे क्या करते हैं H5 यूज करते हैं ओके H5 में यहाँ पे क्या करते हैं H5 क्लास क्या देते हैं क्लास ओके क्लास 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 का जो है टेक्स्ट सेंटर दे देते हैं सबसे पहला क्या देते हैं टेक्स्ट सेंटर ओके टेक्स्ट क्या करते हैं उसको सेंटर में देगा इसके बाद हम क्या करते हैं उसको रेड कलर के करने के लिए क्या करते हैं टेक्स्ट डेंजर कर देते हैं डेंजर DANGER टेक्स्ट को क्या करते हैं DANGER ओके डेंजर कर दिए इसके बाद हम क्या करेंगे उसको मैसेज फायर का जो है मैसेज जो है वो मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे डॉलर साइन का यूज करते हैं देन यहाँ पे ओपन कर ली देन यहाँ पे जो वो कोड लिखे हैं फायर का जो बेकेंड में उसको करके यहाँ पे पेश कर देते हैं तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इतना करने के बाद अब जो पहले से कोड है उसको रिमूव करते हैं रिमूव करने के लिए यहाँ पे अगेन जाते हैं सी कॉलम रिमूव होगा एक सी कॉलम देंगे यहाँ पे रिमूव देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा रिमूव का कोड है तो सी कॉलम रिमूव अब रिमूव किसको करना है तो यहाँ सी कॉलम रिमूव भैर भैर में क्या करेंगे वो फेड वाले को यहाँ पे पेश कर देंगे और स्कोप में सेक्शन लिख देंगे ओके देन यहाँ पे जाएंगे स्कोप में क्या करेंगे उसका सेक्शन क्या करेंगे दे देंगे यहाँ पे सेक्शन ओके स्कोप में SEXXIOL सेक्शन तो यहाँ पे मेरा फायर वाला कोड ऑलरेडी कंप्लीटेड दिखा चुका है ओके गाइस तो लॉगिन और जेएसपी पेज भी हमारा कंप्लीटेड हो गया अब हम क्या करते हैं एडमिन का जो होम पेज है वहां पे जाएंगे ओके ये एडमिन का जो होम पेज है गाइस ओके यहाँ पे आप क्या करते हैं सेम हम क्या करते हैं जेएसपी को लिंक करेंगे जो लॉगिन में हमने यहाँ पे कॉपी किए थे ये कोड को सेम ये कोड को यहाँ पे क्या करेंगे गाइस कॉपी करेंगे और यहाँ पे होम पेज में इसको क्या करेंगे यहाँ के बाद इसको यूज कर देंगे ओके यहाँ पे यूज कर देंगे सेम हम क्या करेंगे इसका भी होम पेज पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे गाइज इसको भी यूज कर देंगे ओके यहाँ पे यूज कर देंगे यूजर का तो एडमिन का ऑलरेडी यहाँ पे एडमिन डॉट होम हमने दे चुके हैं ओके 13 अब क्या करते हैं यूजर में जाएंगे यूजर जैसे ही लॉग इन करेगा यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यूजर जैसे लॉग इन किया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कोड लिखेंगे H1 में सबसे पहले H1 में हमने यहाँ पे मैसेज देंगे ओके क्या मैसेज देंगे कि यूजर यूजर क्या है यूजर का ये होम पेज है ओके क्या है होम पेज है उसका ओके सबसे पहले हमने H1 में लिख दिया देन हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे सी इफ सी के बाद इफ इफ में क्या कंडीशन लगाएंगे सी इफ टेस्ट में क्या कहते हैं डॉलर का साइन देंगे ओके डॉलर ओपन कर ली इसके बाद नॉट एम्पैथिक यानी कि नॉट एम्पैथिक ओके अगर वो नॉट एम्पैथिक होगा तो यूजर ओबीजी जो हमें कोड लॉग इन में देते थे उसको यहाँ पे कॉल कर देगा यहाँ पे देखिए हमने यूजर डॉट ओबीजी सॉरी इसमें लॉग इन सबग्रेट में हमने लिखे थे यूजर डॉट ओबीजी यहाँ पे देखिए तो इसको क्या करेंगे यूजर डॉट ओबीजी को कॉपी करेंगे और इसमें क्या करेंगे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है यूजर डॉट ओबीजी में यहाँ पे क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे ओके तो यहाँ पे कॉल होगा देन यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको देन हम यहाँ पे मैसेज क्या करेंगे हमें क्या चाहिए नाम उनका चाहिए और ईमेल आईडी तो सेम यहाँ इसके बाद गाइड क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे H1 ओके H1 स्पेस देंगे H1 इसके अंदर में हमने क्या करेंगे H1 में नेम सबसे पहले क्या लिखेंगे नेम कॉलम इसके बाद यहाँ पे डॉलर का साइन ओपन कर दी ब्रैकेट और यूजर डॉट ओबीजी जो है यहाँ पे यूजर डॉट ओबीजी इसको कॉपी करेंगे और इसमें क्या करेंगे गाइस पेस्ट डॉट क्या करेंगे डॉट नेम ओके डॉट क्या करेंगे नेम दे देंगे उसका नेम से ओके यहाँ पे सेव करते हैं एरर शो करेगा बट ये एरर नहीं है एक बार आपको क्या करना है गाइस यहाँ से इसको कट करके आपको दोबारा से इसको क्या करना है दोबारा से जब इसको यहाँ से जब करते हैं तब की एरर ये शो नहीं करेगा ओके यहाँ पे देखिए एरर नहीं शो करेगा ओके सेम यहाँ पे क्या करना है H2 करना है ओके यहाँ पे क्या करना है गाइज H2 लेना है ओके H2 इसमें सेम लिखना है ओके सॉरी पहला नेम हो गया दूसरा क्या चाहिए हमें इमेज चाहिए इमेज कॉलम में देंगे डॉलर का साइन देंगे डॉलर का साइन देन यहाँ पे ओपन कर ले ऑब्जेक्ट डॉट क्या दूसरा मेरा क्या होगा गाइज इमेल होगा ओके इमेल देन यहाँ पे क्या करेंगे सेव करेंगे सेम फिर से एरर आ रहा है इसको क्या करेंगे इफ कंडीशन एक बार यहाँ से कट करके एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए एरर नहीं ये बाय डिफॉल्ट है कभी कभी इशू होते हैं अब यहाँ पे देखिए एरर सुने तो आई होप ये ऑलरेडी कंप्लीटेड मेरा हो गया एक बार हम ट्राई कर देते हैं कि हमारा प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है या नहीं तो हम क्या करेंगे गाइज सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और एक बार क्या करते हैं इसको रन करते हैं ओके बुक स्टोर पे जाएंगे राइट क्लिक करेंगे रन पे जाएंगे और रन ऑन सर्वर करेंगे ओके राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे गाइज रन करेंगे ओके हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट
ओके एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ऑलरेडी मेरा क्या है कंसोल में देखिए यहाँ पे टॉमकैट सर्वर ऑलरेडी रन हो रहा है, और अभी तक अगर हमारे वीडियो को ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं demo.gmail नाम के जो कि है उसको ईमेल आईडी दिए और डेमो पासवर्ड देके जैसे ही यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं ओके जस्ट वेट कीजिए ओके मेरा लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी ये रिडायरेक्ट होके लॉगिन पेज पे तो चला गया, बट हमें कुछ इशू नहीं था। यहाँ पे अगर जाके हम यहाँ पे चेक करते हैं तो com.dao में एक एरर शो कर रहा है, सबरेट यहाँ पे लॉगिन सबरेट के 39 नंबर पे क्या आ रहा है एरर शो कर रहा है। इसको अगर क्लिक करते हैं ओके यहाँ पे यूजर और पासवर्ड नहीं दे रहा है ओके एक बार चेक करते हैं कि हमारा एक्चुअल में एरर ओके यहाँ पे देखिए हमने एक सॉरी मिस्टेक किए थे ओके ये वाला नहीं होगा जो कि हमने मिस्टेक हुआ था, इसको क्या करना है डिलीट करना है। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू लिखेंगे ओके यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइज न्यू, देन यहाँ पे क्या कर देंगे सेव कर देंगे ओके। आफ्टर कंप्लीटेड द सेव अगेन हम क्या करेंगे पेज पे जाएंगे और इस पेज को क्या करेंगे दोबारा से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं ओके एक बार अगेन लॉगिन पे जाते हैं, लॉगिन पे जाने के बाद हम क्या करते हैं सॉरी रजिस्ट्रेशन पे जाके एक बार पेज जो हमारा रिफ्लेक्ट होगा, देन हम अगेन लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन पे जाने के बाद सेम हम क्या करेंगे लॉगिन करने की डेमो नाम से ट्राई करेंगे, यहाँ डेमो लिखते हैं, देन यहाँ पे डेमो नाम का पासवर्ड है उसको करके लॉगिन जैसे ही करते हैं जस्ट वेट कीजिए ओके यहाँ पे वेट कीजिए हमारा जो है ऑलरेडी रनिंग मोड में है। तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे मेरा कंप्लीटली जो है सक्सेसफुल हो गया और डेमो नाम का मेरा नाम था पर ईमेल आईडी था, तो आई होप ऑलरेडी ये सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं गाइस कि एक बार जो लॉगिन करते हैं क्या करते हैं एडमिन को लॉगिन करके चेक करते हैं कि एडमिन लॉगिन हो रहा है, एडमिन को लॉगिन करते हैं और पासवर्ड मेरा क्या था एडमिन था ओके एडमिन था, जैसे ही इसको लॉगिन करते हैं जस्ट वेट कीजिए तो यहाँ पे देखिए एडमिन में हमारा सक्सेसफुल क्या हो गया है लॉगिन हुआ है। तो आई होप हमारा जो है लॉगिन का जो पेज था ऑलरेडी सक्सेसफुल, मेरा जो है लॉगिन का जो एपीआई आज हमको बनाना था ऑलरेडी कम्प्लीटली बन चुका है। तो आपको अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको इस टाइप का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट जो हम करेंगे जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा एपीआई बनेगा सपोज जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करें लॉगिन करने के बाद यहाँ पे होम पेज आए और ये सारे एपीआई पे हम काम करेंगे ओके थैंक यू सो मच।